दिन भर बैठकें हुई, नेता बोलने से कतराते रहे। बिहार में उप मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस छाया रहा, लेकिन शाम होते होते तस्वीर कुछ साफ हुई। सबसे पहले बात जो सामने आई वो ये कि सुशील मोदी इस बार बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधानमंडल का नेता तारकिशोर प्रसाद को चुन लिया गया। खुद सुशील मोदी ने उन्हें बधाई दी। तारकिशोर जी को बीजेपी विधानमंडल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर कोटिशह बधाई। लेकिन इस शुभकामना संदेश के साथ ही सुशील मोदी का दर्द भी छलक उठा। उन्होंने एक और ट्वीट किया, भाजपा और संघ परिवार ने मुझे 40 सालों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। सुशील मोदी का दर्द छलका तो बिहार बीजेपी के बड़े नेता और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें सांत्वना दी। आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप बीजेपी के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सुशील मोदी का डिप्टी सीएम से पत्ता कट चुका है, आगे उनका क्या होगा इसको लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारी इस तरीके की भी आ रही है कि दिवंगत नेता राम विलास पासवान की जगह उन्हें बीजेपी राज्यसभा में भेजेगी और उन्हें फिर केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा, लेकिन ये केवल अभी कयास है। केंद्र में सुशील मोदी को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं इसको लेकर अभी कोई भी बीजेपी का नेता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अब सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ही होंगे। इतना ही नहीं, बिहार में इस बार दो डिप्टी सीएम बनेंगे। तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल का नेता चुना गया है। तारकिशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से विधायक है। लगातार चौथी बार तारकिशोर चुनाव जीते हैं। तारकिशोर प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं। माना जा रहा है कि वैश्य समाज के साथ पूरे ओबीसी को साधने के लिए ये कदम उठाया गया है। एक कार्यकर्ता को एक सम्मान मिला है या दायित्व मिला है, सम्मान से ज्यादा यह दायित्व है, और उस दायित्व का बोध है, उसको हम बेहतर ढंग से निभाएंगे। तारकिशोर के अलावा रेणु देवी को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया है। रेणु देवी बेतिया से बीजेपी विधायक है। रेणु देवी चौथी बार विधायक बनी है। निश्चित रूप से हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम के लिए जाने जाते हैं, और काम करना तो हमारा पार्टी में हम लोग को सेवा करना, काम करना तो हमारा भाजपा का कल्चर ही है। रेणु देवी को उपनेता बनाकर बीजेपी ने न सिर्फ पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की है, बल्कि संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में अगर महिलाओं ने एनडीए को बम्पर मत दिया है तो एनडीए भी महिलाओं के हक में आवाज उठाएगी। अब बस इंतजार है डिप्टी सीएम के नाम के औपचारिक ऐलान का। सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।